वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स लर्निंग। टुडे वी डिस्कस क्रिटिकल एवोल्यूशन ऑफ एफआर मॉडल। एफआर मॉडल को जो है हम आज तनकीदी जायजा लेने वाले हैं, इसकी जो क्रिटिकल एवोल्यूशन है उसको देखने वाले हैं। एफआर मॉडल को लेवेंस मॉडल जो है ना उसके मुकाबले में बेहतर समझा जाता है, इसमें इम्प्रूवमेंट है अपना। ये मॉडल मीशत के दोनों शोबों का तवाजुन जो है ना वो पेश करता है, उसके बैलेंस दोनों सेक्टर्स का बैलेंस जो है ना इकोनॉमी के अंदर देखता है, पेश करता है, जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ की तरक्की के लिए जो है ना सबसे काबिल ज़िक्र चीज़ है। इस हकीकत के बावजूद इस मॉडल में कुछ चंद एक जो है ना शॉर्ट कमिंग्स हैं, जिसको वन बाई वन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट जो है ना वो है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इन फेज़ वन। फेज़ वन में जो है ना लेबर की मामूली पैदावार जो सलाहियत है। एफआर मॉडल का ख्याल है कि तरक्की के पहले मरला जो है ना एमपीएल जो है ना वो इक्वल होता है ज़ीरो के, और ज़रिए से लेकर लेबर की मुंतकली ज़रिए पैदावारी में पैदावार जो है ना उसमें कमी नहीं आएगी। फेज़ वन जो था ना इसमें जो सेक्टर था, लेकिन बेरी और स्लीगो जैसे जो माहरीन हैं, बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उसका उनका ख्याल है कि ज़रिए जो है ना एफआर मॉडल के फेज़ में वन जो है ना इसमें पैदावार मुस्तकिल जो है ना नहीं रहेगी, और ज़मीन की जो टाइम है मुद्दत है उसमें मुख्तलिफ निज़ामों के तहत जो है ना आ सकती है, यानी किसानों की मलकियत और हिस्स की फसल वगैरह जो इसके अंदर शामिल होती है। सेकंड पॉइंट है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज़ नॉट ज़ीरो। मेहनत की मामूली पैदावार जो है सलाहियत जो है ना पैदावारी सलाहियत ज़ीरो नहीं है। पड़ी प्रोफेसर जॉर्जनसन जो था ना उन्होंने दोहरी जो मीशत थी ना ड्यूल इकोनॉमिक्स है उसका मॉडल था ना उसमें भी पेश किया है कि फेज़ वन में एफआर मॉडल के ज़ीरो एमपी के तनाज़ा पर एतराज़ करते हैं, कि वो कहते हैं कि एमपी वन जो है ना सिफर होगा। एक तजर्बाती मसला है जो कि एमपीएल जो है ना वो ग्रेटर दैन ज़ीरो के बुआई और कटाई के मौसमों के दौरान जो जॉर्जनसन ने जापानी अदाद व शुमार के बुनियाद पर जो है ना ये नतीजा अख़ज़ किया था कि पहली जंग अजीम से पहले के दौर में जो है ना उन्होंने लेबर की फ्राहमी लामदूद नहीं थी, फिर एमपीएल ज़ीरो कैसे हो सकता है। थर्ड पॉइंट में है इग्नोरिंग द रोल ऑफ कैपिटल, सरमाया के किरदार को नज़रअंदाज कर दिया था। एफआर मॉडल जो था ना उसमें सरमाया के किरदार जो था ना उसको नज़रअंदाज करते हुए पैदावार के तयन करने वाले के तौर पर जो है ना ज़मीन और मेहनत पर तवज्जो दी थी उन्होंने। लेकिन प्रोफेसर ब्राउन बायरस और फ्रेनिकल जो था ना उसमें ग्रीफन खटक और जो उसमें इनका ख्याल था कि अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ में ज़रूरी में जो है ना शोबे इसमें सब्ज इनकलाब के नाम से जाना जाने वाला वाकया है रोनुमा हुआ है, जिसने ज़मीनों पर सरमाया और टेक्नोलॉजी के ज़्यादा इस्तेमाल को फ़रोग दिया है। नतीजतन क्या होगा, ज़रूरी पैदावार में मज़ीद इंक्रीजमेंट हुआ और पैदावार सलाहित में और ज़रूरी पैदावार की आमदनी में भी इजाफा हुआ। फोर्थ पॉइंट है ओपन इकोनॉमी, जो खुली मीशत है ओपनिंग मीशत है, उसमें एफआर मॉडल ने गैर मुल्की तजारत के किरदार को नज़रअंदाज को जो है ना कर दिया है, क्योंकि इसने एक बंद मीशत जो क्लोज्ड इकोनॉमी था उनका मॉडल था ना उसमें फ़र्ज किया कर लिया था कि दूसरे मरहले में जब ज़रूरी मसनूआत की कमी सनती शोबे के खिलाफ जाती है ये जो क्लोज्ड इकोनॉमी है उसकी मौजूदगी में होगा, लेकिन अगर मॉडल ओपन है कर दिया जाए तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि गुड्स की जो कमी है उसकी मौजूदगी में दरामद किया जा सकता है। ये ख़ास तौर पर जापान के मामले में देखा गया है, जिसमें अपनी जो टर्म्स ऑफ ट्रेड ट्रेड की जो शरायत को बेहतर बनाने के लिए जो है ना सस्ते ज़रूरी मसनूआत दरामद की हैं उन्होंने। फिफ्थ पॉइंट है सप्लाई ऑफ लैंड इन लॉन्ग रन, जो तवील मुदत में ज़रूरी ज़मीन जो थी ना उसकी फ्राहमी थी, ज़मीन की फ्राहमी थी। एफआर मॉडल ने फ़र्ज़ किया कि माशी जो तरक्की है ना इसके अमल में ज़मीन की फ्राहमी मुकर्ररा रही है, लेकिन ये सच नहीं है। लॉन्ग टर्म की सूरत में ज़मीन की फ्राहमी में जो है ना इजाफा किया जा सकता है। तो सिक्स पॉइंट जो है ना वो है कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इन्फ्लेशन, जो ज़रूरी की कमर्शलाइजेशन है बड़ी और महंगाई है बड़ी। एफआर मॉडल के मुताबिक जब तीसरा मरला एग्री शुरू होता है तो इसमें शोबा कमर्शियल हो जाता है, लेकिन ये कहकर तनकीद की जाती है कि ये मरला इतनी आसानी से शुरू नहीं होता। सनती ज़रूरी जो है ना शोबा उसमें मज़दूरों की मुंतकली से ज़रूरी शोबे में मज़दूरों की कमी होगी, शोबा जो है ना इसमें इशियाएँ जो खुर्दनोश हैं उसकी किल्लत पैदा होगी और इनकी जो प्राइस हैं कीमतें वगैरह में इजाफा होगा, इस तरह महंगाई पैदा होगी।
जो तरक्की के अमल में जो है ना रुकावट बन सकती है। और लास्ट पर है लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर, जो ज़रिए शोबे में कम पैदावारी सलाहियत है पड़े। जार जनसन जो था ना उसके मुताबिक ये देखा गया है कि ज़रिए पैदावार में बहुत सुस्त इजाफा होता है, ऐसा ऐसा मतलब इंक्रीजमेंट आता है। शोबा नतीजतन ज़रिए शोबे में जो है ना सरप्लस मुश्किल से पैदा होता है। शोबा जो है इसके मुताबिक एग्री शोबा तरक्की में हिस्सा नहीं लेगा। इस तरह जो है उसके नमू का तकाजा है कि सरप्लस पैदा किया जाए और इसे बरकरार रहना चाहिए। तो ये था आज के हमारा लेसन। थैंक यू।